ओवरऑल यूनिवर्स में कहते हैं कि वुमेन्स आर नाजुक टाइप, मीन्स वो बहुत नाजुक सी होती है, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि लड़कियां सिर्फ घर के लिए और एजुकेशन माहौल तक है। मैं सुबह भी स्कूल जाती थी और इवनिंग टाइम में भी स्कूल जाती थी, तो जब मैं रास्ते से वापस आती थी तो मैं बच्चों को यहाँ पे देखती थी। तो मैं आई थी अपने भाई को, छोटे भाई को एडमिशन देने के लिए, लेकिन जब मैं आई तो मैंने लड़कियों को देखा जो मुझसे बहुत सीनियर्स थे, तो मुझे भी शौक हुआ। आई थी कि अपने भाई को एडमिशन दो, लेकिन खुद को भी शौक हुआ, मैंने एडमिशन ले ली। पहले मैं मैं ये सोचती थी कि ये बहुत ख़तरनाक और बहुत सख्त है, लेकिन जब मैं अंदर गई, मीन्स जब मैं इसके अंदर घुस गई, तो मुझे लगा कि हाँ, सख्तियाँ इंसान के लिए तो होती है, चलो इसको फेस करते हैं। और मैं सीखती रही। कराटे एक हॉर्स है, 2006 से स्टार्ट किया कराटे को। इस पहले सुहैला मोहम्मदी था, दूसरे हज़ारा था, ये जब एक स्टेज में आ गया, फिर बाकी लड़कियों में इसी जैसा शाहिदा है, नाजगुल है, नरगिस है, उसके बाद आने शुरू हो गया। शाहिदा माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है और इनका सोच, इनका हार्ड वर्क हर चीज़ में सही है ना। कराटे ज्वाइन की बातें तो बहुत हुई थी मेरे पीछे, क्योंकि शायद कराटे खेलती है, ये तो बहुत बड़ी बात है, लड़कियों को कराटे नहीं करनी चाहिए। मेरे जो बाकी रिश्तेदार थे, हाँ वो आए थे हमारे घर के शायद को निकालो क्लब से, ये बुरी बात है कि सिर्फ हमारे ही रिलेटिव्स में ये जाती है, लोग बातें बनवाते, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया कि नहीं आप जाओ। हमारा अपना ख़ानदान जो है ना, हमको बहुत वो तंस कर रहा था कि यानी कि आप जो है ना लड़की देखो, क्लब देखो। मैंने बोला इम्मत शुहूर, इसमें मर्द और औरत का और लड़की और लड़के का कोई फ़र्क नहीं है, बहादुरी बहादुरी होता है। पहले दफ़ा जब बार ये लोग जा रहा था शायदा, कहते अबू जी हम लोग जा रहे हैं इंडिया। मैंने बोला बच्चा, अल्लाह आप लोगों को जो है ना हर जगह ले जावे, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, तो ये मुल्क का सरफखरी है, पूरा कौम का सरफखरी है। तो शायदा जो है ना गया उधर से भी जीत कराया। हम जो है ना ऐसे सोचता है कि हम जमीन पर नहीं है, यानी हम हवा पर फिर रहे, हम इतना खुश होते हैं। अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिली होती घर से, तो मेरी छोटी बहन आज इस लेवल पे नहीं होती है कि वो भी नेशनल में जाके गोल लेकर आती है बलूचिस्तान के लिए। अभी इनको देखकर लोगों ने बहुत सारे मतलब क्लब हो या बहुत सारे मतलब एरिया है उसको, अभी लड़कियों को अभी बेटियों को मतलब क्लब में छोड़ देता है कि आप भी जाओ, मतलब पाकिस्तान का या बलूचिस्तान का नाम रोशन करो। ओलंपिक के लिए हर, आप सब जानते हैं कि प्लेयर चाहते हैं कि सब ओलंपिक्स में जाए, तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं भी ओलंपिक में ले जाऊँ। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि काश मुझे ये भी, मैं भी इस मकाम पे पहुँचूँ, ताकि अपने पाकिस्तान फ्लैग अपने हाथ में रख के ऊंचा करो, क्योंकि यही मेरी दुआ है और यही मेरी ख्वाहिश है। स्पोर्ट्स की लड़कियों को देखती हूँ आम लड़कियों की बनिस्बत, वो लोग ज़्यादातर कॉन्फिडेंट हैं, वो लड़कों को फेस कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, बनिस्बत वो लोग जो स्पोर्ट्स में नहीं होते। फिर जो भी मजहब से हो, शायद वो क्रिश्चियन हो, जो भी हो, हम लोग हमेशा एहतराम करते हैं उनकी मजहब एक साइड, हमारी मजहब एक साइड, हमेशा ये कहते हैं कि हम लोग ही आगे उनके साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाते हैं। अगर हम एशियन चैम्पियन नहीं बन सका, मैं अपने शागिर्द को बनाएगा एशियन चैम्पियन, मैं ओलंपिक तक उसको पहुंचाएंगे, हमें खुशी है इस तरह। जो सबसे बड़ा मेन पर्पस है मेरे उस्ताद, तो उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है,
हमेशा हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने फेस किए और हमें समझाया है कि आप जब भी चाहोगे ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाएंगे तो आपने फेस करना है, इस तरह नहीं आपने हार मानना है। इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है तो मैं उनमें से हूँ जो मुझे जज्बा मिला है आगे बढ़ने का। सारे लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान या मतलब गवर्नमेंट या कोई हमारे लिए क्या किया, मैं ये पूछता हूँ कि आप पाकिस्तान के लिए क्या किया, आपने अपना ज़ाती पाकिस्तान के लिए क्या किया, आप अपना लेवल से अपना अंदाज़ा से जितना मकदार पाकिस्तान लिए तो करो तो पाकिस्तान तो आपको ऐसा बेफ़ायदा नहीं छोड़ेगा। क्वेटा जिंदा दिलों का घर है, मीन्स जितने भी प्रॉब्लम्स हो फिर भी हम कहते हैं कि हमें कोशिश और लगन से आगे बढ़ने की जज्बा होना चाहिए। जिस तरह कायद आज़म ने पाकिस्तान का नाम और आज़ाद किया, इसी तरह हर कोई, चाहे वो लीडर्स है, एक आम शहरी है, एक प्लेयर है, एक एजुकेटेड पर्सन है, वो भी यही कोशिश करे पाकिस्तान का नाम हमेशा इसी तरह उसके साथ जोड़े और उसका नाम ऊंचा रहे। पाकिस्तान है तो हम है, क्योंकि हम इससे बहुत मोहब्बत करते हैं और क्योंकि दिल से पाकिस्तान है।